अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जुमे का दिन है और हम नमाज से तकरीबन 2 घंटे पहले जो है वो हरम पाक जा रहे हैं, क्योंकि जुमे की वजह से रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर नमाज का टाइम करीब आ जाता है तो जगह जो है वो काफ़ी दूर मिलती है। तो अभी चलते हैं हरम पाक की तरफ। ये हमारा होटल जो है वो थोड़ा गली में है, अभी हम अपने होटल वाली गली से बाहर जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ। और ये जो है सारा कबूतर चौक का एरिया है। सामने मक्का टावर है और यहाँ पे इन्होंने अभी जो है ये शावर लगाए हुए हैं गर्मी की वजह से, ताकि हाजियों को तकलीफ़ ना हो गर्मी की वजह से। अच्छा, पहले यहाँ पे कबूतर चौक पे ये सामने वाली जो साइड थी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए देते थे, अभी जो है ना वहाँ पे नमाज़ पढ़ने नहीं देते। अभी वो जगह नमाज के लिए बंद है। पहले यहाँ पे जो है छतरियाँ लगी होती थी, उनके नीचे नमाज पढ़ते थे लोग। तकरीबन 2 घंटे हैं अभी नमाज में, उम्मीद है कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाएगी हमें करीब। वैसे यहाँ पे जो रश है ना कुछ कम नज़र आ रहे हैं आज, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, अभी अभी उम्रा जो है वो स्टार्ट हुआ है, इस वजह से लोग अभी आना शुरू हुए हैं, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं अभी यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारे होटल और शॉप्स बनी हुई हैं, रायश वाले सारे होटल इस साइड पे हैं, और वो वाली साइड पहले होटल हुआ करते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने वो होटल जो है वो ख़त्म कर दिए। और इस साइड वाले होटल भी अभी जो है काफ़ी बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने किसी रीज़न की वजह से। ये 7 बिल्डिंग्स हैं सोक अल खलील जबल उमर होटल की।
अच्छा, ये ब्रिज के नीचे से भी रास्ता जाता है, लेकिन ये वाली साइड जो है ना ज़्यादातर बंद ही रहती है। वापसी पे ये ओपन कर देते हैं नमाज के बाद, लेकिन नमाज से पहले ये वाला रास्ता बंद होता है। और फिर ये जो है रास्ता सीढ़ियों से ऊपर, एलिवेटर से होके ऊपर जाता है हरम की तरफ, ये खुला होता है, लेकिन ये भी जुमे की वजह से, रश ज़्यादा होने की वजह से बंद है। ये बंद किया हुआ है इन्होंने। सामने हरम पाक के मीनार, मेरे ख्याल से जो हरम है वो अभी फुल हुआ हुआ होगा, इस वजह से सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। तो ये जो सीधा रास्ता है ये जाता है हरम पाक की, जो न्यू एक्सटेंशन बनाई हुई है, न्यू बिल्डिंग है हरम पाक की, उसकी तरफ। और उसमें काफ़ी स्पेस होती है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो सारे जो आवाम है उनको इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि सारे ही जो है वो न्यू बिल्डिंग में चले जाएं, बाकी सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। ये ऊपर शावर जो है ठंडा ठंडा पानी बरसा रहे हैं। ऐसे मौसम जो है यहाँ का गर्म है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी है। पाकिस्तान से यहाँ पे मौसम जो है ना वो काफ़ी बेहतर है। एक ये रास्ता भी है, ये भी बंद है। ये भी बंद है रास्ता, ये भी सीधा हरम पाक जाता है, लेकिन ये बंद किया है। हाजियों ने यहाँ पे रश लगाया हुआ है कि यहाँ से जाने दे, लेकिन इनको यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा, कह रहे हैं कि आगे जाएं। ये है होटल राश का दारुल तौहीद इंटर कॉन्टीनेंटल, ये एलियट क्लास का होटल है, काफ़ी महंगा है ये। इसके टॉप फ्लोर से जो है वो काबतुल्ला का दीदार हो जाता है इसके टॉप फ्लोर से। ये भी बंद है रास्ता। अच्छा, ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ना, इस ब्रिज के पास अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको बस मिलती है मस्जिद आयशा या फिर मस्जिद जुराना जाने के लिए,
जब आप अहराम बांधने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ से आपको बस मिलती है। वो सामने आपको सफ़ेद बस नज़र आ रही होगी ना, यहाँ से जाती हैं बसेस मस्जिद आयशा और मस्जिद जुराना के लिए। यही रास्ता ओपन है हरम को जाने के लिए और यहाँ से हम एंटर होंगे सामने वाली बिल्डिंग में। ये सारा न्यू एक्सपेंशन बनाया हुआ है। और यहाँ से हम एंटर होने लगे हैं इस नई बिल्डिंग में। रश आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाहर रोड पे लोग नहीं थे इतने, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है और लग रहा है कि ये भी गेट बंद है यहाँ से। लेट्स सी, लोग जमा हो गए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं। ये हम मस्जिद में एंटर हो चुके हैं लेकिन रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि कहाँ पे हमें जगह मिलती है। ये देखें किस तरह खूबसूरत बनाया हुआ है ये वाला साइड। ये वाली साइड जो है वो सारी लेडीज के लिए।
यहाँ से एलिवेटर है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे जाता है रास्ता। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और अब जी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे जगह है काफ़ी बैठने के लिए, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।